दलाली प्रथा में पंचायतों के कितने बुरे हाल है इसका अंदाजा रीवा जिले के गंगेव जनपद की सिदहा पंचायत में हुई जांच में पाई गई व्यापक अनियमितता और भ्रष्टाचार से लगाया जा सकता है। गौरतलब है कि रीवा जिला पंचायत सीईओ स्वप्निल वानखेड़े के निर्देश पर 3 सदस्य टीम कार्यपालन यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग क्रमांक 1 RS ध्रुवे SDO सिरमौर जितेंद्र अहिरवार SDO त्योथर SR प्रजापति गंगेव के सहायक यंत्री श्रीकांत द्विवेदी एवं उपयंत्री डोमिनिक कुजूर के द्वारा मंगलवार को 32 बिंदुओं की जांच की गई। शिकायती पत्र सामाजिक कार्यकर्ता शिवानंद द्विवेदी के द्वारा दिया गया था। आदिवासी बस्ती से वन मार्ग को जोड़ने वाली कलवर्ट रेपरा निर्माण जिसकी लागत 14,49,000 बताई गई है उसमें जांच के दौरान बेस और नीव मटेरियल नहीं मिला, साथ में ऊपर की सरफेस भी डस्ट सफेद गिफ्ट से गुणवत्ता विहीन बनाई गई थी। खोद कर देखा गया तो पाया गया कि जिन मापदंडों में तकनीकी स्वीकृत हुई थी उस पर बिल्कुल कार्य नहीं हुआ है और पुल में कई जगह से दर्रे भी दिखे हैं। इसी प्रकार जांच के दौरान सिदहा पंचायत के जिरोही टोला में आदिवासी बस्ती के पास थोक में 5 PCC सड़क निर्माण मिले जिसमें पाया गया कि जिन तकनीकी मापदंडों के अनुसार कार्य होना था वह न होकर अन्यत्र मन मुताबिक काम कर दिया गया है। जहां PCC सड़क की ऊपरी सतह पर 1:2:4 का मिक्सर रहता है वहाँ घटिया तरीके का मटेरियल मिला जो थोड़ा सा ठोकर मारते ही टूट गया। यह सब कार्यपालन यंत्री और उपस्थित 3 SDO के समक्ष हुआ जिनके वीडियो भी बनाए गए हैं। जांच के दौरान जब शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय हिनौती स्कूल परिसर के 14वें वित्त आयोग की परफॉर्मेंस ग्रांट से बनाई गई 2 PCC सड़क की जांच करने अधिकारी पहुंचे तो देखा कि मुख्य मार्ग से लेकर स्कूल के अंदर तक पहुंचने वाली सड़क 20 से 2 टुकड़ों में टूटी हुई है। इस बात को देखकर एक जांच अधिकारी SR प्रजापति ने तो यहां तक कहा कि इसकी बस फोटो ले लो, इसमें जांच की क्या जरूरत है, यह तो टोटल रिकवरी की श्रेणी में आती है। ग्राम पंचायत सिदहा में पंचायती कार्य में पौधारोपण का कार्य भी सम्मिलित था, लेकिन जब पौधारोपण के कार्य की जाँच हो रही थी तो पाया गया कि मात्र उंगली में गिनने के लिए 10 या 20 पौधे मिले, जबकि जाँच अधिकारियों को करते हुए गांव वालों के द्वारा लगाए गए नीम के पौधे भी पंचायती कार्य को दिखाने के प्रयास किए गए जिसका ग्रामीण लोगों ने विरोध भी किया। मामला यहीं तक शांत नहीं हुआ। पंचायती कार्यों की जांच में स्कूल भवन मरम्मत और कन्याशाला के शौचालय निर्माण की भी राशि का जारी होना और निकाला जाना बताया गया था, जिसकी जांच के दौरान पाया गया कि कन्याशाला का शौचालय कहीं बना ही नहीं है और जो थोड़ा बहुत बना था उसमें घास फूस और पेड़ उगे हुए हैं, जबकि मरम्मत के नाम पर पूरी राशि डकार ली गई है और स्कूल की छत से पानी टपक रहा है। 32 बिंदुओं की जांच में परफॉर्मेंस ग्रांट 14वें वित्त आयोग की राशि से बनाए गए चबूतरे भी सम्मिलित थे। जांच के दौरान पाया गया कि चबूतरों की ऊपरी सतह पूरी तरह से बेकार थी जो बाइक की चाबी से ही खोदने पर उखड़ गई। इस विषय पर ग्रामीणों ने कुछ वीडियो भी बनाए, जबकि कार्यपालन यंत्री RS ध्रुवे का कहना था कि यह सब ठीक है और कॉम्पेक्शन की कमी के कारण टूट रहे हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि पूरा काम गुणवत्ता विहीन हुआ है और भ्रष्टाचारियों के विरुद्ध कार्यवाही की मांग की गई है। इस विषय पर कार्यपालन यंत्री RS ध्रुवे का कहना है कि निजी और व्यक्तिगत लाभ के लिए बनाया गया है और इसमें पूरी रिकवरी और कार्यवाही होगी। इस प्रकार सिदहा पंचायत की जांच के दौरान व्यापक स्तर पर अनियमितता और भ्रष्टाचार दिखा जो न केवल रिकॉर्ड में था बल्कि भौतिक धरातल पर भी देखा गया। जांच दर्जनों ग्रामीणों की उपस्थिति में हुई जिसका कई वीडियो और फोटो भी उपलब्ध है। जांच में स्पष्ट तौर पर देखा जा सकता है कि किस प्रकार से जनता के विकास कार्य के लिए जनता के टैक्स के पैसे से आने वाली राशि का सहायक यंत्री उपयंत्री सीईओ जनपद और पंचायत के सरपंच सचिव रोजगार सहायक मिलकर चूना लगा रहे हैं। लोगों ने कहा कि दलालों की समस्त चल अचल संपत्ति की जांच EOW से होनी चाहिए और पंचायत की दलाली प्रथा बंद होनी चाहिए, आने वाली राशि का सदुपयोग किया जाए और सार्वजनिक कार्य में लगाया जाए, किसी भी प्रकार से दलाली प्रथा को स्वीकार नहीं किया जाएगा। इस विषय पर सिदहा ग्राम पंचायत के गणमान्य नागरिक राजमणि सिंह परिहार, दिलराज सिंह, राजबली सिंह, संजय सिंह, रितेश सिंह, अरुण सिंह, मनोज सिंह, जयप्रकाश त्रिपाठी, नंदलाल कोल आदि से संपूर्ण रिकवरी और दोषियों के विरुद्ध FIR दर्ज करवाए जाने की मांग की है। ग्रामीणों ने कहा है कि यदि जांच रिपोर्ट में कोई गड़बड़ी की जाती है तो इसको विरुद्ध उग्र और आंदोलन करेंगे और CEO जिला पंचायत और कलेक्टर के समक्ष धरना करेंगे। ये चबूतरा निर्माण की स्थिति है, देखिए जो कैसे मिट्टी निकल रही है, दिखाइए उसको खोल के, पूरा निकल जाएगा। चबूतरा निर्माण से सिदहा पंचायत ये कमलेश सुरेश कोल के घर के पास में जांच अधिकारी आए हुए हैं कार्यपालन नहीं, लेकिन लेकिन इसमें ये अब यार इसी से तो यहाँ पे डाउट हो रहा है, इसको छोड़ के थोड़ी नहीं जा सकते। आपने कहा था 10 वो होनी चाहिए और 10 ये होनी चाहिए, तो आप बताइए। आप ही ने बोला है, आपकी कही बात 10 ये होनी चाहिए।
क्यों एस्टीमेट देखेंगे तो पता चलेगा। नहीं तो एक मिनट इसको नापिए ना यार, नापिए बीच बीच में आपकी जो लेंथ आई है, ये जो बीच में लेंथ आई है इसको जरूर नापिए भाई कितनी है। हाँ मैं भी तो यही कह रहा था कि चार अंगूल आप छोड़ दीजिए, बाकी यही स्थिति है ना। भगवान ने न्याय यहाँ पे कर दिया, वो पहले से खोद के रखा हुआ था। अरे आप बनवा देना, हम दे देंगे इसका पैसा, कोई दिक्कत नहीं है। सरकार ये कहती है कि भाई ये टूट गया है तो हाँ कितना लगेगा? 10 तो है यार, 4 इंच है तो उसमें क्या दिक्कत है, ये वाली है ये 4 इंच है। हो गया ठीक है, वो लेवल तक ही है जितना दिख रहा है, पाइप 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 के सीध तक है वो। हाँ आज जो जांच के लिए आए हैं उसमें शिकायत श्री शिवानंद जी किए थे, उसी तारतम्य में हम लोग सदैव सेंधा पंचायत में आए हैं और हमारे जो वरिष्ठ SDO श्री प्रजापति जी, SDO जितेंद्र अहिरवार, सहायक मंत्री श्रीकांत द्विवेदी सब आज जो इस पंचायत की जांच किए हैं और जांच में जो पाया गया है वो गणना करने के बाद ही उसका निष्कर्ष हम निकाल पाएंगे कि किसमें क्या कमी है, क्या है, कितना वसूली होगा अभी नहीं बता पाएंगे। चबूतरा निर्माण में तो क्या है कि ऊपर की लेयर जो उखड़ी हुई है कहीं कहीं, क्या है कि जो फिलिंग हुई है प्रॉपर फिलिंग में कॉम्पेक्शन नहीं हुआ है, इसके वजह से उखड़ी है। और कंक्रीट रोडों में जो है ऊपरी लेयर भी कहीं कहीं उखड़ी है, कहीं ठीक है। और जो पाइप कलवर्ड है, पाइप कलवर्ड में जो पर्याप्त डेप्थ तक उसकी फाउंडेशन नहीं गई है, अब इस्टीमेट देखने पर ही पता चलेगा कि कितना उसमें इस्टीमेट में प्रावधान किया गया था और हम जो है इस स्थल पर क्या पाए। तो वो सूखी गिट्टी एक्चुअली में नहीं है, वो जो WBM है उसमें मुरम और गिट्टी मिला के डाला गया है, सूखी गिट्टी वाली वो नहीं है। ऊपर में जो है वो 1-4 की लेयर डाली गई है। हाँ क्रेक है, उसमें जो है सेटलमेंट हुआ है ज़मीन का, वो क्या है उसका जो नीचे का बेस जो है प्रॉपर नहीं बनाया गया है इसलिए क्रेक हुआ है। हाँ प्रावधान तो नहीं है PCC सड़क में बिना बेस का, लेकिन अब उनने बनाए हैं और क्रेक हुआ है तो क्रेक में क्या सुधार होगा उसका हम देख के करवाएंगे।